हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मायाता, दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, यानी कि 2-4 महीने का बच्चा हो चुका है और आप देखते हो कि आपके बच्चे की गर्दन की लंबाई नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल कंधे से सटी हुई है, बिल्कुल ऐसे है, तो ऐसे में आपके बच्चे की लंबाई पता नहीं चलती है। देखिए रीज़न ये बहुत बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तब आप देखते हो कि आपके बच्चा नाटे कद का लग रहा है, हाइट नहीं उसकी दिख रही है, हाइट नहीं पता चल रही, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि बच्चे की गर्दन की लंबाई अगर नहीं होती है तो भले कंधे से लेकर के पैर तक कितनी भी लंबाई क्यों ना हो, बच्चा नाटा दिखता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे घर में ही आसानी से बच्चे की गर्दन की लंबाई को बढ़ा सकते हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे की गर्दन की लंबाई हमें कैसे बढ़ानी है, तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सा आसान सा एक एक्सरसाइज बताऊंगी बच्चे को, वो आपको डेली करना है। जब भी आप बच्चे का मसाज करते हो, बॉडी मसाज करते हो, ये जो एक्सरसाइज गर्दन की आपको करनी है ये हमेशा आपको मसाज के बाद देनी है, ये ध्यान रखिएगा। मसाज के बाद इसलिए करना है क्योंकि जब आप मसाज देते हो तो बच्चे की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो थोड़ी लूज़ होती हैं, जो ढीली पड़ती हैं। जब वो ढीली होती हैं तो आप बच्चे की गर्दन को आसानी से उस समय अगर एक्सरसाइज देते हो तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्क करता है। तो इसलिए जब भी आप मसाज करो, एंड ऑफ द मसाज आप उस एक्सरसाइज को बच्चे को दो। आप ये एक्सरसाइज आपको बच्चे को 0 से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को डेली कराना है, दिन में 2 बार। अगर 1 साल तक आप नहीं कराना चाहते तो कम से कम 6-7 महीने 8 महीने तक तो आप कराओ ही। इतने दिन भी अगर आप करा लेते हो ना तब भी आपके बच्चे की गर्दन लंबी हो जाएगी। ये बहुत ही पुराना घरेलू नुस्खा है। ये आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मैं अपने बेबी पर करके दिखाऊंगी और आप देखोगे कि कैसे बच्चा मेरा स्माइल करते हुए उस एक्सरसाइज को करा लेता है। वीडियो में जो चीज़ें मैं बताऊंगी सिर्फ उसी मूव को आपको ध्यान देना है, कुछ अदर अलग नहीं करना है। इसको बहुत ही नाजुक तरीके से आपको करना है, बहुत संभाल के करना है और ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है। इसको सिर्फ आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है और सिर्फ 2 से 3 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज अपने बच्चे पर करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है ये एक्सरसाइज। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बच्चे को कंफर्ट फील कराना है। जब आपका बच्चा कंफर्ट फील करेगा, उसको कुछ टॉयज वगैरह देंगे, जब वो कंफर्ट फील करेगा, स्माइल वगैरह करे, तो आपको बस सिंपली आपको उसके दोनों कान के पास, कान पर प्रेशर नहीं देना है, बस उसके दोनों ऐसा पकड़िए, ऐसा पकड़ के बस उसको उठाइए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं अपने बेबी को करके देख रहा हूँ कितना स्माइली फेस उसका, कहीं से भी उसको रोना नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप 0 से लेकर के 12 महीने तक के बच्चे को आसानी से कर सकते हो। हालांकि शुरुआती दौर में बच्चा थोड़ा सा नाजुक होता है तो उस समय आपको थोड़ा सा सावधानी से करना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी बड़े की हेल्प आप ले सकते हो उसके लिए। तो आसानी से बस इसको 1 से 2 सेकेंड के लिए होल्ड करते उठाना है और फिर उसके बबाद नॉर्मल बैठा देना है। फिर उसके बाद 1-2 बार 3 बार इसको रिपीट करना है डेली। आपको ये आपको दिन में 2 बार ज़रूर एक्सरसाइज देनी है। फिर इसके बाद आपको दूसरा क्या करना है कि आगे एक हाथ पीछे बैक साइड लगाना है और एक साइड आपको यहाँ गर्दन पे टच नहीं होना चाहिए, जहाँ टेटुआ होता है वहाँ टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये जो थुड्डी वाला एरिया है उसी के नीचे ये वाले जगह पे आपको टच करना है और पकड़ के बस ऊपर उठाना है। जैसे अभी हमने उससे पुशअप किया था, उठाया था, वैसे ही आपको फिर से उठाना है। ये भी उसी तरीके से आपको 2-3 बार रिपीट करना है, सिर्फ 1 से 2 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। फिर उसके बाद ये नहीं कि आपको बस उस बच्चे को उठा करके टांगे रखो, ऐसा नहीं करना है, बस तुरंत उठाना है और तुरंत उसको कंफर्ट फील कराना है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है बस। इसके अलावा अगर आपको ये एक्सरसाइज बच्चे को देने में डर लग रहा है, क्योंकि वैसे आप 1-2 बार करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कैसे आपको होल्ड करना है, ये चीज़ें मुझे भी शुरू में थोड़ा सा डर लगा था अपने बेबी पर करने पर आप खुद ही देख सकते हो कि मैंने अपने बच्चे पर खुद करके दिखाया है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी किया ही है ना, मेरा भी बच्चा ही है, तो इसलिए आप भी आसानी से अपने बच्चे का कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको अपना दिल मजबूत करके ये प्रोसेस को करना है। इसके अलावा मैंने एक सिंपल सा बहुत ही आसान सा तरीका बताया है, इस पर वीडियो मैंने एक अलग से बनाई है कि आप बैंड के द्वारा अगर आपके बच्चे की गर्दन स्टेबल नहीं हो रही है, बहुत डगमग करती है, बिल्कुल कमज़ोर गर्दन है, 5-6 महीने का बच्चा हो गया फिर भी आपके बच्चे की गर्दन स्टेबल नहीं हो रही है और बच्चे की गर्दन की लंबाई भी नहीं बढ़ रही है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने बताया है, एक बैंड लगाना
उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस बैंड को बनाने का तरीका भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप दोनों ही वीडियो को देख सकते हो, अगर वो आसान लगे तो आप वो प्रोसेस, वो तरीका आप अपना सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो नेक की एक्सरसाइज मैंने बताई है कैसे आप दे सकते हो। देखिए, नेक का बैंड बनाना और उसको लगाना, कभी कभी बच्चे नेक बैंड से इरिटेशन फील करते हैं, गर्मी का मौसम होता है तो थोड़ा सा उन्हें परेशानी होती है। तो अगर ये एक्सरसाइज की आदत शुरू से आपने अपने बच्चे को देने की आदत डाल ली है तो बहुत ही आसान है। शुरू में आपको थोड़ा सा दो चार दिन डर लगेगा, बट उसके बाद आपको आसान लगने लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो। अगर किसी भी तरीके का सवाल है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।